हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैप्चर्ड बाय रुचि एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूजफुल जो बैग लवर्स हैं उनके लिए, क्योंकि मैं लेके आई हूँ अपने बैग कलेक्शंस। तो जो मैं आपको बैग आज दिखाऊंगी वो मैंने कुछ ऑनलाइन परचेज़ किए हैं और कुछ ऑफलाइन परचेज़ किए हैं। तो जो ऑनलाइन परचेज़ किए हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और जो ऑफलाइन भी करे हैं तो उनका लिंक और उनकी शॉप का नेम और लोकेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिए। सो विदाउट फर्दर एनी डू लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ माई फर्स्ट बैग और ये मेरा मोस्ट फेवरेट बैग है एंड दिस इज़ बाय द ब्रांड एलन सोली। तो अगर हम बात करेंगे इसके लुक्स की, ये बहुत एलिगेंट लगता है और ये ब्राउन कलर में है और उसमें छोटे छोटे हनी बीज बने हुए हैं और इसका लॉक बड़ा ही स्टाइलिश है। तो उसको ऐसे पुल डाउन करना है और उसके बाद उसको ऐसे करके ओपन करना है। तो अगर हम ओपन करते हैं तो हमें इसकी ज़िप मिलती है। तो जो इसकी चेन की क्वालिटी है वो बहुत प्रीमियम क्वालिटी का है और ये एक सिंगल कंपार्टमेंट बैग है, आप देख सकते हैं। तो अगर आप कहीं अपनी लंच डेट पे या डिनर पे जा रहे हैं और आपको छोटा मोटा सामान कैरी करना है जैसे वॉलेट, सनग्लासेस या मेकअप का थोड़ा बहुत सामान, पावर बैंक, तो ईज़िली इस बैग में फ़िट हो जाता है। और इसके साथ इसमें दो इनर पॉकेट्स भी हैं, इसमें भी आप अपना कुछ छोटा मोटा मेकअप का सामान या टिश्यूज़ कैरी कर सकते हैं। और एक चेन है जिसमें आपने कॉइन्स, अपना फ़ोन, अपना कुछ भी छोटा मोटा आइटम जिसको आपको सेफली इसमें रखना है, तो इसमें क्योंकि चेन है तो इसमें आप इजीली उसमें रख सकते हैं। और बैक में भी इसमें एक चेन दी गई है, जो चेन है वो बहुत अच्छी है, जो पॉकेट्स हैं इसकी बहुत अच्छी पॉकेट्स हैं, इस पर बहुत स्पेस है। सो ओवरऑल ये बैग बहुत अच्छा है, बहुत हैंडी है, इसकी क्वालिटी बहुत प्रीमियम है, बहुत एलिगेंट लगता है। और मैंने इसको ऑनलाइन परचेज़ किया था मिंत्रा से, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और इसको आप ऐसे कैरी कर सकते हैं एज अ हैंड बैग और इसको स्लिंग बैग की तरह भी आप कैरी कर सकते हैं। तो मोस्टली मैं इसको एज अ स्लिंग बैग यूज़ करती हूँ, काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। तो ज़रूर इस बैग को चेकआउट करिए। सो गाइज़, ये है मेरा सेकंड बैग और आप देख सकते हैं कितना बड़ा और कितना स्पेशियस बैग है। जो बैग मैंने आपको पहले दिखाया था उसके कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा है और बहुत स्पेशियस है। एंड दिस इज़ बाय दी ब्रांड वैन हुज़ेन और आप देख सकते हैं जेट ब्लैक कलर का है और इसका जो टेक्स्चर है वो क्रॉक स्टाइल है। और इसे एज अ हैंड बैग मैं कैरी करती हूँ और ये बड़ा ट्रैवल फ्रेंडली बैग है, क्योंकि अगर आपको एक दो दिन का कहीं ट्रैवल करना है तो इस बैग में बहुत सामान आ जाता है। तो मुझे कहीं भी ट्रैवल करना होता है मैं इस बैग को ज़रूर यूज़ करती हूँ। इसकी क्वालिटी है वो इतनी प्रीमियम क्वालिटी है और इसको 2 से 3 साल से मैं लगातार यूज़ कर रही हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है। सो ये ऐसे प्रेस करके ओपन होता है और ओपन करते ही ज़िप मिलती है हमें, और ज़िप खुलते ही हमें मिलता है बड़ा सा, बहुत बड़ा स्पेशियस कंपार्टमेंट मिलता है। सिंगल कंपार्टमेंट है जिसमें आप अपना हैंड टॉवल, अपना मेकअप, अपना पावर बैंक, अगर आप व्लॉगर है तो आपका शायद ट्राइपॉड भी इसके अंदर आ जाएगा। तो काफ़ी सामान आ जाता है, आपकी वाटर बॉटल आ सकती है, आपका बहुत कुछ सामान इसमें आप ईज़िली कैरी कर सकते हैं। इसमें भी दो पॉकेट्स हैं अंदर, छोटी 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 पॉकेट्स हैं जिसमें आप कॉइन्स को रख सकते हैं, जिसमें टिश्यूज रख सकते हैं। इधर एक जिप कंपार्टमेंट भी है, छोटी सी पॉकेट है। बट ओवरऑल ये बैग बहुत अच्छा है, बहुत स्पेशियस है, बहुत सामान आप इजीली इसमें कैरी कर सकते हैं। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं तो ज़रूर इस बैग को परचेज करिए, आप रिग्रेट नहीं करेंगे, आई एम डैम श्योर फॉर दैट। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ज़रूर चेकआउट करिए। सो जो मेरा नेक्स्ट बैग है वो ये है, जो कि एक बैकपैक और दिस इज़ बाय दी ब्रांड ड्रेसबेरी। और ड्रेसबेरी इज़ वेरी गुड एंड अफोर्डेबल ब्रांड और मैंने इसके और भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, जैसे मैंने इसकी ड्रेसेस, फुटवेयर्स और नाउ आई एम यूजिंग दिस बैग फ्रॉम ड्रेसबेरी। एंड दिस इज़ कैमल कलर्ड बैग जिसमें आपको बाहर से देखिए कितनी सारी पॉकेट्स मिल जाती है और गर्ल्स को तो पॉकेट्स वाले बैग बहुत पसंद होते हैं। तो 1, 2, 3, 4 पॉकेट्स इसमें है और काफ़ी स्पेशियस है। और अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के लिए हमारे पास ये एक बटन है यहाँ पे और यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स दी गई है जिसको आपको पुल करके इसको क्लोज करना है। तो हम इसको ऐसे ओपन करेंगे और ओपन करते ही हमें मिलता है इतना स्पेस। सो गाइस, आप देख सकते हैं अगर आप कॉलेज गोइंग हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है, आप अपना स्टेशनरी, अपनी बुक्स इसमें कैरी कर सकते हैं और बहुत स्मार्ट लगेगा। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि
ट्रैवल करते टाइम आपका स्नैक्स, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स, आपका मंचिंग का आइटम इसमें ईजिली फिट हो जाएगा और काफ़ी स्पेस है तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और इसके अंदर कंपार्टमेंट्स है, एक छोटी चेन है और इधर भी एक कंपार्टमेंट है। सो ये कॉलेज गोइंग और ट्रैवल करने वालों के लिए बहुत अच्छी चॉइस है और काफ़ी अफोर्डेबल है और इसकी क्वालिटी टॉप नॉच है, तो इसको ज़रूर चेकआउट करिए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको परचेज़ करिए। सो जो मेरा नेक्स्ट बैग है वो है ये, और ये मैंने लाजपत नगर से लिया था जब हम दिल्ली में थे। और अगर दिल्ली वाले लोग मुझे देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि लाजपत नगर में कितने अफोर्डेबल प्राइस पे बैग मिल जाते हैं। तो इसकी क्वालिटी की बात करेंगे, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसको मैं 2-3 साल से यूज़ कर रही हूँ। और इसको आप देखेंगे तो ये बड़ा फ्लैशी गोल्डन कलर का है और इससे बड़ी पार्टी वाइब्स आती है, तो मैंने इसको अपनी शादी के टाइम पे ख़रीदा था। और अगर आप एक प्लेन साड़ी पहन के इस टाइप के बैग कैरी करते हैं तो आपकी साड़ी को बहुत अच्छा लुक आ जाता है, आपकी साड़ी बहुत ग्रेसफुल लगती है, आप बहुत ग्रेसफुल लगते हैं और आपको कॉम्प्लीमेंट्स ज़रूर मिलेंगे। मैं जब इसको कैरी करती हूँ तो मुझे हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि ये बहुत अच्छा, बहुत अट्रैक्टिव बैग है आपका। सो अगर हम इसको देखेंगे तो इसके अंदर ये इस टाइप के कंपार्टमेंट्स हैं, इसमें 2 कंपार्टमेंट्स है और ये जो सेपरेटर है इसमें भी स्पेस है अच्छा खासा। तो जैसे शादी के टाइम पे हमें एनवलप रखने पड़ते हैं, अपना कुछ टचअप का सामान रखना पड़ता है, तो इजीली इस बैग में आ जाएगा और ये बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने कहाँ से परचेज़ किया था उस शॉप का नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। सो गाइज, ये है मेरा लास्ट और रीसेंट बैग जो मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ ने गिफ्ट किया था, एंड दिस इज़ बाय द ब्रांड कैप्रीजी और इसमें एक ऐसे टैसल्स दिए हैं और दिस इज़ ग्रेश इन कलर। सो बहुत एलिगेंट कलर है, ये बहुत अच्छा लगता है। और इसमें आप इसको ऐसे एज अ हैंड बैग और एज अ स्लिंग बैग भी यूज़ कर सकते हैं। सो मोस्टली मैं आजकल स्लिंग बैग की तरह ही यूज़ करती हूँ, काफ़ी कम्फर्टेबल रहते हैं। आप ओपन करते हैं तो ये एक एज अ जिप कंपार्टमेंट दिया गया हुआ है, तो जिप कंपार्टमेंट ओपन करते ही हमें ऐसे 2 कंपार्टमेंट्स मिलते हैं, काफ़ी स्पेशियस का जो बीच में भी इसमें स्पेस दिया गया है, इस पर भी आप अपने कुछ प्रीशियस आइटम रख सकते हैं, अपनी छोटी मोटी ज्वेलरी डाल सकते हैं। और अगर आप कहीं लंच डेट पे जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो ये बैग बिल्कुल परफेक्ट है किसी भी टाइप के अटायर के लिए, किसी भी टाइप के ओकेज़न के लिए ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। ये ऑनलाइन ही उन्होंने मुझे ऑर्डर किया था तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आपको इनमें से कोई सा भी बैग पसंद आता है तो उनके लिंक, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जाइए और अपने लिए ऑर्डर करिए। और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।